أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is English conversational sentences about winter season. आज हम सर्दियों में बोले जाने वाले चंद अहम फिकरात के बारे में पढ़ेंगे. Let's go start. सर्दी का मौसम शुरू हो गया है. Winter has set in. Winter has set in. या फिर आप लोग यहाँ पे विंटर सीजन भी लगा सकते हैं. ठीक है, विंटर सीजन हैज सेट इन, दोनों फिक्रे ठीक हैं. सर्दी का मौसम शुरू हो गया है. आज बहुत सर्दी है. इट्स वेरी कोल्ड टूडे. इट्स वेरी कोल्ड टूडे. आज बहुत सर्दी है. आओ धूप सेकें. लेट्स बास्क इन द सन. लेट्स बास्क इन द सन. आओ धूप सेकें. मैं धूप सेक रहा हूँ. आई एम बास्किंग. बास्क कहते हैं धूप सेकने को. ठीक है, आई एम बास्किंग. मैं धूप सेक रहा हूँ. आज जमा देने वाली ठंड है. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टूडे. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टूडे. आज जमा देने वाली ठंड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्दी है. ठीक है, मेरी उंगलियाँ सुन हो गई हैं. माई फिंगर्स आर मम. माई फिंगर्स आर मम. मेरी उंगलियाँ सुन हो गई हैं. बाहर बहुत सर्दी है. इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड. इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड. बाहर बहुत सर्दी है. अगर वैसे बताना है कि आज बहुत सर्दी है तो इट्स वेरी कोल्ड टूडे. ठीक है, अगर बाहर का बताना है तो फिर आउटसाइड लगेगा. ठीक है, बाहर बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो. कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट. कवर योर सेल्फ बिफोर यू गो आउट. बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छे से ढांप लो. कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए. यू माइट गेट कोल्ड. यू माइट गेट कोल्ड. कहीं तुम्हें सर्दी ना लग जाए. सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है. द कोल्ड इज गेटिंग वर्स डे बाय डे. दिन ब दिन, डे बाय डे कहते हैं दिन ब दिन को. ठीक है, सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है. द कोल्ड इज गेटिंग वर्स डे बाय डे. अपना स्वेटर और जुराबें पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी. पुट ऑन योर स्वेटर एंड सॉक्स अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड. पुट ऑन योर स्वेटर एंड सॉक्स अदरवाइज यू विल कैच कोल्ड. पुट ऑन योर सॉक्स. पुट ऑन योर ग्लव्स. पुट ऑन योर कैप. ठीक है, जो भी पहनना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं. हीटर मेरे करीब रख दो. कीप द हीटर क्लोज टू मी. कीप द हीटर क्लोज टू मी. हीटर मेरे करीब रख दो. बाहर बहुत धुंध है. इट्स टू फॉगी आउटसाइड. इट्स टू फॉगी आउटसाइड. फॉग कहते हैं धुंध को. ठीक है, मतलब बाहर बहुत धुंध है. इट्स टू फॉगी आउटसाइड. टू जो है वो किसी भी चीज़ की ज्यादती के लिए लगता है. ठीक है, जब नफी के माने में किसी चीज़ की ज्यादती हो रही हो. ठीक है, इतनी होनी नहीं चाहिए वो चीज़ ज़्यादा, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हो तो उसे, उसके लिए टू का लफ्ज़ टी डबल ओ टू ये वाला लगाते हैं. ठीक है, वैसे वेरी मच बहुत ज़्यादा के लिए हम वेरी मच का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारी ज़रूरत से ही ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसे टू कहते हैं, टी डबल ओ टू. ठीक है, इट्स टू फॉगी आउटसाइड. बाहर बहुत धुंध है. धुंध की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा. नथिंग इज विजिबल ड्यू टू फॉग. नथिंग इज विजिबल ड्यू टू फॉग. धुंध की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा. मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं. माई हैंड्स आर टर्निंग आइसी कोल्ड. आइस बर्फ को कहते हैं. ठीक है, माई हैंड्स
आर टर्निंग आईसी कोल्ड। मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। मुझे सर्दी लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। फील कहते हैं महसूस करने को, ठीक है। आओ आग के पास बैठें। लेट्स सीट बाय द फायर प्लेस। लेट्स सीट बाय द फायर प्लेस। लेट्स किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आओ, जब हम कहते हैं आओ ये काम करें, लेट्स प्ले, आओ खेलें, ठीक है। आग जला दो। लाइट ए फायर। लाइट ए फायर। आग जला दो। आपके होंठ खुश्क हो गए हैं। यू हैव चैप्ड लिप्स। यू हैव चैप्ड लिप्स। सर्दी की वजह से अक्सर होंठ खुश्क हो जाते हैं ना। मेरे पाँव की उंगलियां सूज गई हैं। माई टोज गॉट फ्रॉस्ट बाइट। माई टोज गॉट फ्रॉस्ट बाइट। टोज कहते हैं पाँव की उंगलियों को, ठीक है। और फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं सूज जाना। वो सर्दी की वजह से अक्सर लोगों की उंगलियां सूज जाती हैं, रेड कलर की हो जाती हैं, मोटी मोटी सी, ठीक है। उसे कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। माई टोज गॉट फ्रॉस्ट बाइट। मेरी एड़ियां फट रही हैं। माई हील्स आर क्रैकिंग। क्रैक मीन फटना, ठीक है। माई हील्स आर क्रैकिंग। मेरी एड़ियां फट रही हैं। सर्दी की वजह से आपकी जिल्द फट रही है। Your skin is cracking due to cold. Your skin is cracking due to cold. सर्दी की वजह से आपकी जिल्द फट रही है। मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। अक्सर सर्दी की वजह से वो भाप सी निकलती होती है ना मुंह से। I can see my breath in the air. I can see my breath in the air. मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। मैं कांप रहा हूँ। I am shivering. I am shivering. मैं कांप रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल HBR मकतब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।